बाहुबली के लिए डर रहे हो क्या? जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। हेलो एंड वेलकम टू पॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, पुष्पा ट्रिपल आर और KGF 2 के हिंदी डब वर्जन की बंपर सफलता को देखते हुए अब बॉलीवुड वाले भी सम्राट पृथ्वीराज के बाद शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, पठान और टाइगर 3 इन सभी फिल्मों को साउथ की लैंग्वेज में डब करके रिलीज करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन सी फिल्म वहां बड़ी सफलता हासिल करेगी, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज पहले ही केवल नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ में भी बुरी तरह फ्लॉप हुई। वेल दोस्तों, देखा जाए तो ये कोई नई शुरुआत नहीं है फिल्म पृथ्वीराज से। हालांकि पृथ्वीराज भले ही फुसी हो गई, लेकिन बॉलीवुड वाले पहले भी अपनी फिल्मों को डब करके साउथ के राज्यों में रिलीज करते रहे। लेकिन पिछले कुछ अरसे में साउथ फिल्मों जैसे कि पुष्पा, ट्रिपल आर और KGF 2 की बम्पर सफलता के बाद अब हिंदी फिल्मों के प्रोड्यूसर भी अपनी फिल्मों को बड़े पैमाने पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज करके नया मार्केट तलाशना चाहते हैं। यही वजह है कि कोविड के बाद पिछले दिनों पहली बार अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को तमिल, तेलुगु में डब करके साउथ के राज्यों में रिलीज किया गया। वहीं अब आने वाले दिनों में शमशेरा, लाल सिंह चड्ढा, ब्रह्मास्त्र, पठान और टाइगर 3 जैसे बड़े बजट की फिल्में भी साउथ की लैंग्वेज में डब होकर रिलीज होंगी। हालांकि पिछले दिनों रिलीज हुई सम्राट पृथ्वीराज ने हिंदी में बहुत अच्छा कलेक्शन नहीं किया, वहीं साउथ में भी फिल्म का कोई खास कमाई नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स जिन फिल्मों को साउथ की लैंग्वेज में डब करके रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या साउथ में भी बॉलीवुड की फिल्मों को ऐसी लोकप्रियता मिलेगी जैसे कि बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों को मिली। ऐसे में देखा जाए दोस्तों तो प्रोड्यूसर और फिल्म बिजनेस एनालिस्ट गिरीश जौहर का मानना है कि बॉलीवुड वाले पहले भी साउथ की लैंग्वेज में डब करके फिल्में रिलीज करते थे और अब बड़े पैमाने पर ऐसा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, जब साउथ वाले अपनी फिल्में बड़े पैमाने पर हिंदी में डब कर रहे हैं तो हिंदी वाले भी अपनी फिल्मों को साउथ की लैंग्वेज में डब करेंगे। बेशक साउथ की फिल्मों ने धीरे धीरे हिंदी बेल्ट में अपनी जगह बनाई है, तो बॉलीवुड की फिल्में भी धीरे धीरे साउथ की मार्केट में अपनी जगह बनाएंगी। मेरा मानना है कि बॉलीवुड वाले आजकल बड़े पैमाने पर फिल्मों को तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब करके साउथ में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके पीछे वहां पर हिंदी फिल्मों के लिए नया मार्केट तलाशने के साथ साथ सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म पर ज्यादा कमाई करना चाहते हैं। प्रोड्यूसर्स जब फिल्म के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स बेचते हैं तो हिंदी के अलावा बाकी लैंग्वेज में भी उन्हें बेचने से खासी कमाई होती है और इसकी वजह से उनका डबिंग का भी खर्च निकल जाता है। दूसरा ये कि हिंदी से साउथ की लैंग्वेज में डब फिल्म को भले ही वहाँ पर थिएटर में कम लोग देखने आते हैं, लेकिन अगर वही फिल्म वहाँ के लोगों को अपनी लैंग्वेज में डब होकर OTT या फिर टेलीविजन पर मिले तो बेशक उसे ज्यादा लोग देखना चाहेंगे। यही ठीक उसी तरह जिस तरह अजीत कुमार की वल्ली मई के हिंदी डब वर्जन को थिएटर में चुनिंदा दर्शकों ने देखा, लेकिन OTT पर उसे हिंदी में काफी दर्शकों ने देखा। सम्राट पृथ्वीराज को भले ही हिंदी पट्टी और साउथ के इलाकों में उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन अब बॉलीवुड वालों को इंतजार है कि कौन सी बॉलीवुड फिल्म होगी जिसका डब वर्जन साउथ में पुष्पा या फिर RRR जैसी सफलता हासिल करेगा। इस बारे में गिरीश कहते हैं, देखिए RRR और KGF 2 या बाहुबली जैसी फिल्मों को छोड़ दे तो अनुमन बॉलीवुड की फिल्में साउथ में उतनी ही कमाई करती हैं जितनी कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड में सामान्य कमाई करती है। मसलन पिछले दिनों में डब होकर रिलीज हुई साउथ की फिल्में जैसे कि खिलाड़ी, वल्ली मै, बेस्ट, मेजर और विक्रम ने हिंदी में महज कुछ करोड़ों की कमाई की है। वही गिरीश ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि अगर साउथ की लैंग्वेज में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों की बात करें तो इनमें कृष 3, बाजीराव मस्तानी, प्रेम रतन धन पायो सभी फिल्में रिलीज हुई और इनमें से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ में फिल्म जो थी वो है कृष 3, जो कि 4 करोड़ के आसपास कमाई कर चुकी है। हालांकि साउथ में हिंदी फिल्मों के कलेक्शन का आइडिया लगाना इतना आसान नहीं होता। मसलन चेन्नई, मैंगलुरु और हैदराबाद में बॉलीवुड फिल्में साउथ, तमिल और तेलुगु के साथ हिंदी में रिलीज होती है। कहने का मतलब है कि जहां वो 2 स्क्रीन लोकल लैंग्वेज में रिलीज होगी तो 2 हिंदी में, जबकि साउथ की कमाई सिर्फ डब वर्जन की जोड़ी जाए तो इसके उलट हिंदी बेल्ट में अगर साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज किया गया तो साउथ की लैंग्वेज में उस फिल्म को स्क्रीन नहीं मिलती। दरअसल साउथ के राज्यों में और खासकर मेट्रो सिटीज में हिंदी फिल्में देखने के लिए ऑडियंस वहां की काफी कम है और इसी वजह से फिल्म ज्यादा कलेक्शन नहीं कर पाती। वेल दोस्तों, इंतजार तो रहेगा ही।
वेल, सम्राट पृथ्वीराज तो डूब गई, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आने वाली फिल्में हैं जैसे कि ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, पठान या फिर टाइगर 3, क्या इनमें से कोई हिंदी फिल्म बन पाएगी साउथ में बॉलीवुड की बाहुबली? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।